इस बीच पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आर्मी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लाहौर के कोर कमांडर को हटा दिया गया है, लाहौर के कोर कमांडर को हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सलमान को हटाने के बारे में जानकारी सामने आ रही है। कार्रवाई ना करने के आरोप में इन्हें हटा दिया गया है। पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी कार्रवाई की है, नए कोर कमांडर को भी अपॉइंट किया जा रहा है, नए कोर कमांडर की नियुक्ति की जा रही है। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है, लाहौर के कोर कमांडर को उनके पद से हटा दिया गया है। दुरानी साहब हमारे साथ है। दुरानी साहब, आर्मी की तरफ से यह कार्रवाई क्यों, लाहौर के कोर कमांडर को क्यों हटा दिया गया? देखिए, ये तो एक सबसे पहली बात ये है कि एक तो रूटीन का मैटर होता है, आर्मी की जो इस ट्रांसफर होती है उस ऊपर वो उनका अपना इंटरनल इश्यूज होता है, एक अपना एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है वो उस पर कर रहा है। दूसरी बात ये कि अगर ये कहा जाता है या ये कहा जाए कि आर्मी उनको इसलिए हट गया क्योंकि लाहौर के अंदर जो जो अटैक हुआ पीटीआई का उसको उन्होंने नहीं रोका या उसको उन्होंने सबोताज करने की कोशिश नहीं की, तो वो माइट बी ये एक इशू हो सकता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तो अब तक जो है मुझे इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं साथ ही साथ अपना वो अपना मोबाइल भी चेक कर रहा हूँ कि मुझे शायद वहां से कोई मुझे मैसेजेस वगैरह आ जाए, क्योंकि अब इस किस्म की कोई भी चेंजेस होती है और किसी किस्म का कोई इशू होता है तो डेफिनेटली हमें साथ के साथ जो है वो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती होती है, लेकिन अभी तक हमें कोई इस किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं आई। हाँ, ये एक बात है, अभी सिर्फ हमें यही इंफॉर्मेशन मिली थी हमें कि लाहौर के हाई जो कोर कमांडर है उनको चेंज किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि अगर लाहौर के हाई कोर कमांडर को चेंज किया जा रहा है आर्मी की तरफ से, लेकिन आप देखें इस सारी चीजों को हट के अगर आप देखते हैं तो जो पीटीआई के जो कारकुन थे, पीटीआई के जितने भी कारकुनान थे वहां पे गए और वहां पे उन्होंने डायरेक्टली आर्मी पे अटैक किया, आर्मी के स्टेशन पे अटैक किया है। तो क्या अगर आर्मी वहां पर चाहता हूँ कि एक बार जरा आप ये भी सुने कि इमरान के जो सपोर्टर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो क्या कह रहे हैं, अपील क्या कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं जरा। My name is Dea Hadid. I'm from International Media, National Public Radio. I'm the correspondent covering Pakistan and Afghanistan. The government of Pakistan gives me permission to operate and work in this country. Why are you not letting us in? पत्रकार हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और अपील कर रही हैं कि उन्हें कवर करने दिया जाए। यहां पर क्या सिचुएशन है, थोड़ा आप समझा पाएंगे दुरानी साहब? दो तीन चीजें होती हैं। अगर तो आप जैसे आप हैं, आप एक पत्रकार हैं, आप पत्रकार के तौर पे अगर आप कहीं पे जाते हैं तो आपको वो तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि एक पत्रकार के, जैसे मैं भी जाता हूँ उस जगह पे और मैं अपना काम करता हूँ तो मुझे वो तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप बाइस्ड होकर किसी चीज की तरफ बात करना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? पहली बात तो ये है, दूसरी बात यह है कि मुझे इस खातून है इसका मुझे सिनेरियो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी मैं इससे इस पूरी सिचुएशन को इस खातून पर्टिकुलर इस खातून की जो सिचुएशन है मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे वो जुडिशरी का कोई इशू हो या आज का जो इमरान खान साहब का जो भी सिचुएशन चल रही है इसके अंदर, अगर अदालत के अंदर कहीं पर जाना हो, किसी किसी पुलिस थाने के अंदर जाना हो या कहीं पर कोई ऐसा इशू हो, मैं आज अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी सहाफी को रोका गया हो, चाहे वो पाकिस्तान का सहाफी हो चाहे वो इंटरनेशनल सहाफी हो। अगर आप ये बात करते हैं कि किसी इंटरनेशनल सहाफी को रोका जा रहा है, खासतौर पर ये खातून जो अगर बात करें, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था कि इमरान खान साहब के सपोर्टर्स की बात की थी तो मैं थोड़ा मुझे डाउट हो गया था कि शायद ये पता नहीं कोई पाकिस्तान तो आपके नाराइज होते हैं शायद, मैंने कहा इस तरह की हमारी भी कोई खातून है जो वहां पर खड़ी चीज कह रही हो कि ये मुझे इमरान खान के हक में बोलना है। खैर एनीवेज, लेकिन बात यह है कि आप मुझे सिर्फ छोटी सी बात बताएं, मैंने आपको दो तीन चीजें, अगर आप कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं वो जो ऑडियो लीक्स हुई है वो आपको भिजवा देता हूं ताकि आपको भी अंदाजा हो कि मैं जो बात कर रहा हूं मैं कोई फाल्स या हवा के अंदर तीर नहीं चला रहा। जो फिगर दुरानी साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ, ठीक है, मैं एक बड़ी खबर बताऊं फिर मैं आपके पास लौटता हूं। क्या खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं?